हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना अलजेब्रा के क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले कुछ लेक्चर में हमने सारे फार्मूले बता दिए थे, प्लस में लॉजिक आपको दे दिए थे, क्या क्या लॉजिक लगने वाले, फार्मूले क्या क्या लगने वाले हैं। तो इस हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, बोला कि PQ QR RP 0 के बराबर है, तो हमें इसकी वैल्यू पता लगानी पड़ेगी कितनी होगी। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसमें से किसी ना किसी एक वैल्यू को क्या लो, मतलब तीन वेरिएबल है आपके पास। ठीक है, तो तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल मतलब कौन कौन से आपके पास, पी क्या होगा, क्यू क्या लेना पड़ेगा, आर क्या लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हमें पता लगानी है कि किस तरह से आंसर हमने निकालने हैं। राइट, तो शुरू करते हैं। मान लो कि क्यू आर हम 1 1 ले लेते हैं। राइट, क्यू आर 1 1 ले लेते हैं, तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस में ये पी हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से 2P+1 निकल के आया कितना, 0। पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1/2। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। ठीक, तो ये चीज सॉल्व करनी है आपको, तो पुट कर दो, ये आपका 1 हो जाएगा, क्यू आर 1 हो जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ। चलो सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। P स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 ऊपर आ गया, और नीचे भी 1/4 आ जाएगा, माइनस में 1, प्लस में Q कितना है, 1/1 - 1, माइनस माइनस +1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 1 -1/2 × 1, तो माइनस माइनस +1/2 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर दो इसको, कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका 4। एक मिनट देख लेते हैं। पी ओके 1/4, और नीचे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 3 -3 हो जाएगा, -3 और बटे 4, प्लस में इसको सोल्व करेंगे, 1/3/2, प्लस में 1/3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा कैलकुलेट करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा। ओके, तो एक मिनट और कुछ मान ले एक बार, क्यू को अगर -1 मान लेंगे तो ये आपका ये प्लस रह जाएगा। ठीक है, तो यहां से तो एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया क्वेश्चन। चलो एक बार चेक करके देखते हैं कि आपका क्या आंसर आएगा यहां से। तो 1/4, 4 से 4 कट जाए, तो 1/-1/3 +1/2/3 +2/3। राइट, ओके, तो ये 2/3 + 2/3 कितना हो जाएगा, -4 कितना हो जाएगा, 4/3 - 1/3 = 3/3 कितना आंसर आ जाएगा, 1। तो 1 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या हुआ कि सीधा आंसर सोचने लग गए, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया मुझे, और आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि x² इतना, y² इतना, z² इतना, और x y z क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो 1/x + 1 1/y + 1 1/z + 1 हमें निकालना है। ठीक है, देखो अगर हम दो चीज को जोड़े, मान लो ये x² + y + z, देखो किन्हीं भी सेम नंबर को अगर हम जोड़े मान लो, और उसका स्क्वायर आना चाहिए, तो ऐसा सिर्फ दो कंडीशन में होगा कि एक तो 0 + 0 करके 0 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा, 2 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। ठीक, सिर्फ ये दो कंडीशन ही प्रूफ होगी जो आपको कोई भी नंबर मानने पर मजबूर कर देगी। ठीक है, इसके अलावा और भी कंडीशन नहीं हो सकती, अगर इसके अलावा होगी तो आप सोच लेना क्या हो सकती है। लेकिन हमने जैसे माना कि 0 यहाँ पर, तो इन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया कि 0 तो होनी नहीं चाहिए, तो ये होगी कंडीशन गलत,
तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 2, तो नॉन जीरो नंबर है, पुट कर दो 1/2 + 1, सभी 2 + 1 हो गए, कॉमन ले दो 3, ठीक है। तो इसका मतलब 3/3, यहाँ से भी कितना आंसर दे रहा है, 1 आंसर दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, तो अब ये कंडीशन आपके सामने आ गई कि एक्स प्लस वाई बटे जेड इज इक्वल टू 2, वाई अपॉन वाई माइनस जेड, एक्स अपॉन एक्स माइनस जेड कितना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी एक को जीरो मान लेता हूँ, ठीक है, ऊपर एक्स या वाई में से हमने किसी एक को जीरो मान लिया, एक्स वाई जेड, एक्स को जीरो मान लिया, वाई को कितना मान लेते हैं, जेड को अगर मैं, वाई को मैं 2 मान लेता हूँ, जेड को मान लेता हूँ, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स 0 हो गया, तो ये तो आपका कट गया, ठीक है, और वाई वाई कितना है 2, और वाई माइनस जेड मतलब 2 - 1, तो 2/1, तो कितना आंसर आ गया आपका 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था, वो अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, बोला क्या कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ओके। तो शायद इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमने पीछे किसी लेक्चर में किया था, तो आप फिर भी ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि ए बी सी को हम 0 बनाना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कोई वैल्यू आपने 0 नहीं लेनी, राइट। अगर आप 0 वैल्यू लेओगे तो एक मिनट देख सकते हो आप, अगर 0 आ जाए तो सेटिस्फाई कर जाए, तो अगर सी को मैं 0 लूँ, ठीक है, अगर सी को मैं 0 लूँ तो सेटिस्फाई होगा कंडीशन, ये 0 ले ली, ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ए या बी में से किसी एक को 1 मान लो, दूसरे को -1 मान लो, ठीक है, तो ये 0 सेटिस्फाई कर देंगे। सेटिस्फाई किया तो वैल्यू पुट कर दो, बस आपका ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0, ये तो सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वेयर बचा, और यहाँ से बी स्क्वेयर बचा, ठीक है, कट जाएंगे एक, कट जाएंगे एक, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे वैल्यू पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला कि ए की पावर 4 + 1 इतना है, और ए की पावर 4 + बी की पावर 4 हमें निकालनी है, क्या होगा। तो आप देखो कि ए को अगर 0 मानोगे, आप ए को अगर 0 मानोगे तो यहाँ 0 पुट करके तो सारा ही 0 कर देगा, तो इसका मतलब ए की पावर 4 कितने के बराबर होनी चाहिए, -1 के बराबर होनी चाहिए, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए को 0 नहीं मान सकते, ए को 0 नहीं मान सकते, ठीक है। अगर आप बी को 0 मानोगे तो जैसे ही यह 0 रखा तो ये किस में रोल करेगा, इन्फिनिटी में, तो इन्फिनिटी में भी आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जो इनको कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ऐसा क्या मानना है, अगर मैं बी को 1 मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं बी को 1 मान लेता हूँ तो ए को क्या मानूंगा, तो सोल्व करते हैं, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 1, ठीक है, तो यहां से 4 - 1 - 1 ए स्क्वेयर आया, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 ए स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना, ए की पावर 4 + 1 इज इक्वल टू 2 ए स्क्वेयर, राइट, तो ए की पावर 4 + 1 - 2 ए स्क्वेयर, ठीक है, ये आपको पता है कि इसका फार्मूला बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया, ए स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, ए स्क्वेयर की वैल्यू 1 आ जाएगी, और बी की हमने 1 माननी थी, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस में 1 के पावर 4,
ये आपका वन है, वन का स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर कितना हो जाएगा, वन प्लस वन, और ये कितना आ जाएगा आंसर अपना, टू आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड सॉरी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा लॉजिक मानना पड़ेगा, अगर आप सीधा जीरो पुट करोगे तो जीरो के सेटिस्फाई सेटिस्फेक्शन भी हमें इस इन क्वेश्चनों में करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो फिर से आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। अगर जीरो पुट करोगे सी को तो बी माइनस वन मान लो, फिर ए वन मान लो, तो सी जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर वन का स्क्वेयर वन प्लस माइनस वन का स्क्वेयर प्लस का वन, और नीचे ए स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर वन का स्क्वेयर वन, तो कितना आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आंसर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जितनी वैल्यू आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छा क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अब की बार आपका स्टेटमेंट में कितने वेरिएबल आए हैं, चार वेरिएबल आए हैं कि ए क्या माने, बी क्या माने, सी क्या माने और एस क्या माने। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जो हमें कंप्लीट आंसर दे सके चंद सेकंड के अंदर। तो चंद सेकंड के अंदर करोगे सॉल्व इसको तो क्या आ जाएगा आपका, तो हम इसमें से सभी को एस को जीरो मान लेते हैं, सभी में से एस को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, पहले ए स्क्वेयर बचा, एस माइनस बी मतलब माइनस ए का स्क्वेयर कितना था प्लस का है, सेम माइनस बी का स्क्वेयर कितना हो जाएगा प्लस का बी स्क्वेयर, प्लस सेम सी माइनस सी का स्क्वेयर सी स्क्वेयर, क्योंकि एस जीरो हो गया और ये आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्लस में जीरो आएगा यहाँ लास्ट में। ठीक है, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर नीचे दे जाएगा, तो इनको क्या करो कट कर दो, तो आपका आंसर कितना आया, वन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लोर और भी अच्छा क्वेश्चन आ चुका है कि आपके पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू 2017 है, तो माइनस वन की पावर एक्स और माइनस वन की पावर वाई क्या होगा। अगर मैं एक्स को जीरो मान लूं तो वाई कितना आ जाएगा अपने पास, 2017 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करने, तो माइनस वन की पावर जीरो प्लस, अब देखो आपको पता है किसी की पावर जीरो हो जाती है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वन हो जाता है प्लस, और 2017 ऑड पावर है। ठीक है, ऑड पावर किसी नेगेटिव टर्म की ऑड पावर होगी तो वो क्या, वो नंबर क्या आ जाएगा, सेम नेगेटिव में आ जाएगा, तो वन माइनस वन कितना आ जाएगा, जीरो। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर करें क्वेश्चनों की, बहुत अच्छे क्वेश्चन है अलजेब्रा के। ठीक है, बस इसके बाद एक या दो लेक्चर में और हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये अलजेब्रा आपका खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये नया स्टेप का क्वेश्चन आया है, तो करते हैं इसको भी सोल्व। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड, ए की वैल्यू क्या मान ले, बी की क्या मान ले, सी की क्या मान ले, एक्स की मान लो, वाई की मान लो, जेड की मान लो। ठीक है, तो ये सारे हमने मानने पड़ेंगे, तो अब कुछ ऐसी ट्रिक लगाओ ताकि वैल्यू हमें माननी पड़े और जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर मैं ए और बी और सी को वन वन मान लूं तो वैल्यू पुट करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई वन, वन बाई वन, तो ये कितना हो जाएगा, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशन में वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी, बेशक आप सॉल्व कर सकते हो। सेम कंडीशन जेड के साथ भी है तो जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत, मतलब अगर आपको एक बार प्रैक्टिस कर ली तो दूसरी बार आपको ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आ जाएंगे। तो एक्स वाई जेड मतलब 2 गुना 2 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर। ठीक है, तो 2 गुना 2 ये आपका 8 हो जाएगा, और माइनस में ये आपका 4 माइनस 4 माइनस 4,
तो ये तो आपका 8 गया और -4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस को प्लस में क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर दे रखा और माइनस इसने एक्स्ट्रा मतलब बाहर की तरफ दे रखा, तो इस माइनस को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं कह सकता आप, पर लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आसानी दिखाई देंगे। ओके, अब आपके पास ये है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 5। अगर बी सी ना है, नो है, तो ए की वैल्यू 2 है। ओके, अगर मैं इसको नंबरिंग को ऐसे ही रहने दूं, ठीक है, कि ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास 6 है, सी की वैल्यू अलग से 5 आ जाएगी, लेकिन बी प्लस सी की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए 2 वैल्यू ए की मान लेते हैं और इसके 4 मान लेते हैं। सी की 5 दे रखी है, इसकी 4 आ गई, वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई, सी की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, बस पुट कर दो इसमें, आपको ए की कितनी 2 है, सी की कितनी आपकी 5 है और बी की वैल्यू 4 है, तो 2 और 5 7/4, 7/4 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो एक्स वाई जेड रियल नंबर है और ये आपका स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, तो आपको पता है एक फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। ओके, ये आपको क्या बना देगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वेयर -3 × xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए और सारा सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू आपके पास 13 दे रखी, तो 13 -3 × 1। ओके, ये आपका क्योंकि एक्स वाई जेड 1 दे रखा और ये भी आपका 1 दे रखा है। ठीक है, एक्स वाई जेड 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना, 1 1 का स्क्वेयर -3 × xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ओके, इस साइड इज इक्वल टू, एक मिनट, 1 -3। ओके, ये 1 भी इधर चला जाएगा, तो एक मिनट, 1 -3xy y z z x। ठीक है, तो ये 1 इधर आ गया, तो ये 9 बना दिया, और -3xy + yz + z x। ठीक है, तो यहाँ से -3 को कट करेंगे तो ये आपका -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से xy + yz + z x की जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी, -3 आएगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपकी बार फिर मैचिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये ऑप्शन में कोई ना कोई मिसमैच है, तो ये आपको -3 लगा लो और ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या दे रखा है कि x³ + y³ + z³ = 3 1 + xy z है। ठीक है, ओके, देखो इसमें पी क्यू आर भी है, पी क्यू आर है, तो यह हमने x मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा, z मानना पड़ेगा, फिर p आ जाएगा, q आ जाएगा और r आ जाएगा। ठीक है, अगर x y z क्यूब इतना है तो ये वैल्यू हमें बताने, अब सुनो क्या कि हम x y z में से किसी एक को 0 ले लेते हैं। एक मिनट, सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना वैल्यू xy। तो मैं एक काम करता हूं कि आपका सारी की सारी वैल्यू को क्या करें, एक्स और वाई को 0 मान लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक वैल्यू चाहिए, तो z³ यहां से ये जब आपका 0 हो जाएगा, तो 3 × 1 3, तो z³ की वैल्यू, यहां से z³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसको ध्यान रखना बस,
और यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आपकी जेड और एक्स तो सॉरी वाई और एक्स तो 0 हो जाएगा, यहाँ से पी की वैल्यू जेड, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू भी सेम आ जाएगी जेड, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस जेड, वैल्यू पुट कर दो ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका यहाँ पर ठीक है, जेड क्यू ओके प्लस जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब ठीक है, ये माइनस का है तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, -3 इंटू ये कितना आ जाएगा पी क्यू आर जेड जेड जेड, मतलब तीनों जेड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड क्यूब आ जाएगा, और प्लस एक माइनस बाहर है तो ये प्लस का जेड क्यूब बना देगा ठीक है ओके, जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल तो कितना आ जाएगा 4 जेड क्यूब आ जाएगा, और जेड क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है तो 4 गुना 3 कितना आ जाएगा आपका आंसर 12 ठीक है, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा ओके। तो क्वेश्चन को अच्छे से करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है ओके, तो मान ज्ञात करें इसका, तो हम एक काम करते हैं कि जेड को 0 मान लेता हूं मैं ओके, जेड को 0 मान लिया तो ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कट गई, ये कट गई राइट, और वाई को मैं -1 मान लेता हूं और वन एक्स को 1 मान लेता हूँ ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये आपका नीचे कितना है एक्स की वैल्यू 4, ये आपका 1 हो जाएगा, और -1 की पावर 4 तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा ठीक है, तो कितना आ जाएगा ऊपर 1 नीचे 2, 1/2, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था वैल्यू पुट करने के बाद ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, तो सेम चीज आपको वही दे रखी है, ये चीज आपको बार बार दी जाएगी, लेकिन ये चीज क्यों दी जाती है, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस करो इनके ऊपर और अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें ठीक है, तो जेड को मैं अगर 0 मान लूँ, जेड को अगर नहीं मान सकता क्योंकि जेड नीचे 0 है, 0 नहीं आएगा ओके, और तो क्या मानूँ जेड को मैं, और क्या वैल्यू माने, तो मान लेते अपने अकॉर्डिंग कि जेड अगर 1 है, वाई भी 1 है तो एक्स -2 ले लेते हैं ओके, -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4, और ये आपका वाई का स्क्वायर जो 1 प्लस वाई का स्क्वायर 1, जेड 1 है और -2 नीचे आ जाएगा, प्लस जेड 1 है तो ये नीचे -2 आ जाएगा ठीक है, 4 प्लस फोर माइनस -1/2 प्लस 1 सॉरी ये दोनों क्या -1/2 -1/2 ठीक है, तो 2/1 एक मिनट सॉरी -2/2 तो -2/2 मतलब -1 आ जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 3, कैलकुलेशन थी वैसे और कुछ नहीं था, और ये आपका इजी क्वेश्चन था ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आज की पीडीएफ खत्म हो गई, तो ये टोटल मिला के हमने 11 से 12 क्वेश्चन सॉल्व किए आज की इस वीडियो में, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत मॉडरेट लेवल के या डिफिकल्ट लेवल आप कह सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लेवल का है, और एक दो लेक्चर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी सॉल्व डिस्कस करेंगे, तो आज की वीडियो बस इतनी, थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद।